Sir, adding to what that girl said, that we should give our 100% if we have 24 hours to live, I feel that the main reason that why don't we give 100% every day is because we have fear. Maybe fear of failure, fear of losing, or what others would say. But when we know that we have 24 hours to live, that fear just goes away because we know ke ab to rehna hi 24 ghante hai to kuch bhi ho jaye to wo fear chala jata hai. So I think that main reason is fear. Very good. Tushar ne ek badi aur marm ki baat kahi ki jab aapko pata laga ke aakhir ke 24 ghante baki hain to maut ka dar khatam. यानी डर नाम की चीज जिंदगी में नहीं रह जाएगी. और जब डर नहीं है आपका जो भी एक्शन जो काम करेंगे दैट विल बी डायनेमिक एक्शन, दैट विल बी फुल्ली डायनेमिक. इट विल बी लाइक सूरज की किरणों को हम एक कांच के जरिए एक पूरा कंसंट्रेट करके कागज को जलाते हैं कि नहीं? बहुत जलाए होंगे बचपन में. और अगर उसी रे को और ज़्यादा पहना कर दें, और ज़्यादा बारीक कर दें तो कागज़ को नहीं वो स्टील को पूरे को काट सकती है. और जब फियर नाम का जो आपको कन्फ्यूजन जो उस किरण को डिसिपेट करता है फैला देता है वो ख़त्म हो जाएगा, आप पूरा कंसंट्रेट कर सकेंगे, जो भी कुछ काम करेंगे पूरी तरह से करेंगे, एंड दैट विल बी योर success. Sir, I think when we have limited time we actually come out and break the comfort zone, but in our day-to-day life we are not able to come out and break that comfort zone. So my question is how we can break that comfort zone and how we can do more than we wanted to do. Aapko puchna padega apne aap ko ki aap comfort zone mein kyon hain. Jaldi nahi hai na, kal kar lenge na, फिर कर लेंगे. अभी तो आज तो चलो पिक्चर देखते हैं ना, जरा शाम को पब में जाते हैं, इसलिए कंफर्ट जोन में है. आज की चीज़ को कल पे, कल को परसों पे, क्योंकि आप नींद में हैं, हम लोग सब नींद में हैं, इसलिए कंफर्ट जोन में है. जैसे आपको झटका लगा कि केवल 24 घंटे बचे हैं तो उस कंफर्ट जोन से निकल आए, आपने एक्ट करना शुरू कर दिया. सर मैं बताना चाहूँगा, मेरा एक फ्रेंड था विभू सिंह करके, सो हम दोनों साथ में टेनिस खेला करते थे और एक बार उसका क्या दोनों किडनीज़ ख़राब हो गई थी. वो अहमदाबाद के एक हॉस्पिटल में था और मैं उसको कभी टेनिस में हरा नहीं पाता था. उसका नेक्स्ट डे किडनी ट्रांसप्लांट होना था और सर उसके मामा जी उसको किडनी दे रहे थे और रात में ही उसकी से टेंशन की वजह से उसको ब्रेन हेमरेज हो गया. तो मैं कहूँगा कि सर टेंशन से कुछ नहीं होता है, कि उन 24 आवर्स को हमें अपने बेस्ट देना चाहिए एक तो. और सर अगर मैं होता उसकी जगह तो मैं ये कर सकता था कि जो मेरे बॉडी पार्ट्स हैं एटलीस्ट मैं उनको लोगों को दे दूँ. मैं तो जा ही रहा हूँ, कम से कम मेरी बॉडी तो किसी काम आ जाए. और उसी से टेंशन खत्म हो जाती शायद. सर हो सकता है, आदमी उस टेंशन में नहीं आता, कुछ भी हो सकता. क्योंकि उस दिन मैंने उसको कॉल किया था और यही कहा कि अभी भी मैं तुझे टेनिस में हरा नहीं पाया सर, और नेक्स्ट उसकी रात में डेथ हो गई थी. वेरी गुड एग्जाम्पल. मेरे एक दोस्त थे, अभी नहीं रहे वो, तो अक्सर मुंबई में कई बार ट्रैफिक, कई बार जो एटीट्यूड आपने कहा कंफर्ट जोन वाला, ऐसा एटीट्यूड रहता था. तो मैं अक्सर 5-7 मिनट लेट हो जाता, ज़्यादा नहीं, 5 मिनट 7 मिनट 10 मिनट. तो ये हमारे दोस्त जो आहूजा साहब थे वो बड़े टाइम के बड़े पंक्चुअल थे, बल्कि वो 5 मिनट पहले ही आ जाते थे. तो पंजाबी में मुझे कहते हैं सर यार तू टाइम तो तुम नहीं आते. देखो मैं मर जाऊंगा ना किसी दिन, मेरी अर्थी नो हाथ लगान भी नहीं आओगे. समझ रहे हो पंजाबी थोड़ी? यार मेरी अर्थी जब जाएगी तुम वहाँ भी लेट हो जाओगे, मेरी अर्थी को हाथ लगाने नहीं आओगे. बहुत बार कहते थे वो. एक दिन मैंने कहा, मैं क्या आहूजा साहब जब आप चले जाओगे अर्थी को हाथ लगाने कौन आया या कौन नहीं आया, व्हाई डू यू वरी? दिस इज एटीट्यूड प्रॉब्लम. मेरे माइंड में एक क्वेश्चन बार बार स्ट्राइक हो रहा है जब से मैं यहाँ पर आई हूँ. प्रॉबली आप ये बोल रहे हैं कि हमें कोई भी काम पेंडिंग नहीं रखना चाहिए फॉर द फ्यूचर एंड वी शुड डू इट देन एंड देयर, बट प्रॉबली यू आर स्पीकिंग इट फ्रॉम अ बिजनेस मैन पॉइंट ऑफ व्यू, राइट? मेरी जॉब है प्रॉबली मैं मॉर्निंग टिल इवनिंग आई एम आउट हेयर एट एमिटेड सेल्फ. आज मुझे बैंक जाना था,
मैं बोलूँ कि मुझे आज ही जाना है एंड देन आई डोंट थिंक इट्स पॉसिबल. मैं क्या बोलूँ कि मुझे जाना है और देयर आर सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस दैट यू हैव टू फॉलो. वी डोंट हैव एनीथिंग फ्लेक्सिबल आउट हियर. फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव आई एम टॉकिंग टू यू. गुड क्वेश्चन. लेकिन जब मुझे पता है कि रूल्स एंड रेगुलेशन हैं लेकिन वो मरने पर तो कोई रूल रेगुलेशन लागू नहीं होता है भाई. और वो रूल रेगुलेशन भी आज के दिन जो लोगों ने बनाए हैं रूल रेगुलेशन वो भी उनको ब्रेक कर रहे हैं धीरे धीरे. हमारे बंबई में पहले 10 बजे रात को शिव साहब उन लोगों ने कहा कि बार खुली नहीं रहेंगी. उन्होंने अब 24 घंटे खोल दिए. और बहुत सी चीज़ें हो रही हैं. लेकिन ठीक है, रूल्स एंड रेगुलेशन आपको फॉलो करने हैं. एट द सेम टाइम दिस इज समथिंग. मैं ये नहीं कहता कि रियल में, मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, वेस्टर्न वर्ल्ड में ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे जब आदमी औरत को जब ये होता है कि वो बचने का कोई साधन नहीं है, आखिरी के 12, 14, 16 हफ्ते उनको बुज़ुर्गों को वहाँ पे या किसी भी आदमी को उन स्पेशल हॉस्पिटल्स में लोग दाखिल करा देते हैं. और वहाँ की एक नर्स ने कुछ अपनी रिकॉर्डिंग की है, वो मैं आप लोगों से शेयर करूँगा. और उससे आपको पता लगेगा कि ये कोई लास्ट में वेट करने की चीज़ नहीं है. इसलिए मैंने कहा आपसे कि साइंटिस्ट ने, डॉक्टर्स ने, सब ने ये चीज़ मान ली है कि इंसान का दिमाग, जो ब्रेन का डेवलपमेंट है, वो 25 वर्ष की उम्र तक कंप्लीट हो जाता है. लेकिन मैं आजकल ये कहता हूँ, आज का जो युग है, इन्फॉर्मेशन एज है, आपको प्रेस ऑफ बटन में आपके पास इन्फॉर्मेशन आती है. आज के दिन यू गेट मैच्योर्ड इवन मच अर्लियर एज, एट द एज ऑफ 18 आई वुड से. तो मैं ये कहता हूँ, जब से इंसान का दिमाग पूरा मैच्योर हो गया, उस वक़्त से ही आपको ये सोचना चाहिए कि टुडे इज़ द लास्ट डे फॉर रेस्ट ऑफ माई लाइफ. दैट इज़ द कैच वर्ड. अगर आप रोज़ ये सोचना शुरू करेंगे तो ये सब प्रश्न एकदम डिफरेंट हो जाएंगे. सो आई लाइक टू से टू माई व्यूअर्स एट होम, डोंट स्विच ऑफ, कीप कंटिन्यू टू वॉच द शो. देर इज़ लॉट ऑफ थिंग्स टू डिस्कस विद द पीपल, विद द स्टूडेंट्स ऑफ द एमएटी यूनिवर्सिटी इन नोएडा.